ट्रेन तो हम हैं अभी रुड़की के गंगा ब्रिज में, तो थोड़ा मार्केट आ रखे थे तो हमने सोचा थोड़ा जरा हाथ मुँह धो लें नदी में। तो गंगा ब्रिज के पास ही बैठे हैं हम, तो यहाँ पे हाथ मुँह धो रहे हैं। मैं हूँ प्राप्ति है, प्राप्ति की फ्रेंड है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा सा गंगा मैया, हर हर गंगा मैया। तो कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे नदी का। तो आज मैं आपको रुड़की मार्केट दिखा देती हूँ। तो गाइस अभी हम मार्केट आ रखे हैं रुड़की। प्राप्ति की एक बुक्स लानी थी और मैंने कहा सब्जी वगैरह भी लेके आते हैं। तो बहुत गर्मी हो रही थी चलते चलते, पैदल चलते, ज़्यादा दूर भी नहीं, लेकिन गर्मियों में जो है थोड़ा सा भी चलो तो गर्मी बहुत होती है। तो मैंने कहा चलो ज़रा नीचे नदी में जाके मुँह धो लेते हैं और थोड़ा वहाँ पे बैठ लेते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, धूप तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पे छाया थी इस तरफ, तो यहाँ पे बैठे हैं हम तीनों के तीनों। तो मुँह धोया यहाँ पे, थोड़ी देर बैठे रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, ठंडा सा। तो ज़्यादा कुछ सामान तो नहीं लेके आए, उसके लिए पेन वगैरह लेके आए और जो उसने बुक लेनी थी बुक ली और सब्जी फ्रूट्स वगैरह लेके फिर जल्दी आ गए थे। बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे, तो मैंने कहा मैं शूट कर लूँ, यहाँ का नज़ारा आपको दिखा लूँ। तो ये है गंगा ब्रिज रुड़की का, ये हमारे बिल्कुल पास में ही है, जहाँ हम रहते हैं उसके बिल्कुल पास में ही है। तो थोड़ी देर बैठे रहे यहाँ से, अब हम चलते हैं। उसकी बुक्स तो मैंने ले ली है, बैग में रखी है, पेन वगैरह, और थोड़ी आगे जाके फ्रूट्स वगैरह लेंगे और सब्जियाँ देखेंगे, कुछ सब्जियाँ लेनी है। तो गाइज अभी जो है मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का खाना। तो खाने में बना रही हूँ राजमा, बिना टमाटर वाली राजमा। तो राजमा मैंने उबाल रखी है और यहाँ पे ये मसाला वगैरह तैयार कर रखे हैं। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और यहाँ पे प्याज कद्दूकस कर रखा है, लहसुन अदरक हरी मिर्च मैंने एक साथ पीस रखी है, हरा धनिया कट कर रखा है, ये जीरा जो है पीस रखा है मैंने, पिसा हुआ जीरा नहीं था तो मैंने ये पीस के भून के और पीस के यहाँ पे रखा है, दो तेज पत्ते रखे हैं। तो तेल गर्म हो गया, मैंने इसमें जीरा डाल दिया एक छोटी चम्मच। तो जीरा चटकते ही इसका कलर सुनहरा होते ही मैं इसमें तेज पत्ते डाल दिए दो। बिना टमाटर के भी हम जो है टेस्टी वाली दाल बना सकते हैं। तो ये दाल जो है मेरे हस्बैंड ने भी खानी है, तो वो टमाटर नहीं खाते, इसलिए हम जो है बहुत कम यूज करते हैं टमाटर। तो जीरा अच्छी तरह से चटक चुका है, इसमें मैंने जो प्याज कद्दूकस कर रखा था वो प्याज डाल दिया, प्याज का कलर गोल्डन होने लग गया है, तो इसका कलर चेंज हो चुका है। इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च का जो पेस्ट बना रखा मैंने, इसको डाल दूँ और इसको भी थोड़ी देर ऐसे ही कड़छी से चलाती रहूँगी। तो ये वाली दाल अगर इस तरह से बनाओ जो तो बहुत ही टेस्टी होती है, लगता नहीं है कि बिना टमाटर वाली होगी। इसमें मैंने हींग डाल दी चुटकी भर और खड़े मसाले मैंने उसमें पहले ही डाल देते, लौंग और काली मिर्च, जब मैंने दाल उबाल ली थी राजमा की। तो इसमें कसूरी मेथी मैंने ऐड कर ली है, तो इन सबको मैं थोड़ी देर ऐसे कड़छी से चला लूँगी। और ये पिसा हुआ जीरा ये मैंने पूरा डाल लिया, पहले मैंने इसको भुना और भुनने के बाद पिसा, क्योंकि पिसा हुआ जीरा ख़त्म हो रखा था। इसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर लूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले, किचन किंग मसाला और लाल मिर्च थोड़ी डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च भी पीस रखी है। और सारे मसाले डालने के बाद मैं इनको, नमक मैंने बाद में डाला, तो नमक डालने के बाद मैं इनको अच्छी तरह से कड़छी से मिला लूँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी, मसाले जो मसाले हैं इनको पकाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो ये मसाले हमारे अच्छी तरह से सारे मसाले जो हैं भून चुके हैं। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद जो है अच्छी तरह से हमारे मसाले जो हैं ये पक चुके हैं, इनसे तेल अलग हो गया। और इसमें डाल दी मैंने बॉईल की हुई राजमा की दाल,
राजमा की दाल में नमक नहीं डाला था, खड़े मसाले डाले थे बस, काली मिर्ची और इलायची, एक बड़ी इलायची और लौंग, ये मैंने पहले से ही डाल रखे थे। अब इसको थोड़ी देर पका लूँगी, एक उबाल आ जाएगा, थोड़ी देर और खदकाऊँगी इसको, उसके बाद इसमें डाल दूँगी कटा हुआ धनिया। तो यहाँ पे मैंने चावल अच्छी तरह से वॉश करके रखे हैं, साथ ही साथ मैं चावल ही बना लूँगी। और इसमें डाल दिया मैंने पानी, 1 कटोरी चावल थी और 1.5 कटोरी इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया। तो यहाँ पे दाल बनती रहेगी, दूसरी तरफ मैंने चावल रख दिए, आटा मैंने गूंद के रखा है। तो यहाँ पे ये दाल जो है इस पर उबाल आ चुका है, अच्छी तरह से खटक रही है। इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया जो मैंने कट करके रखा है वो डाल दूँगी। हरा धनिया ऐड करने के बाद मैं गैस ऑफ कर दूँगी और इसमें बनाऊँगी मैं रोटियाँ। मेरा जो है लंच बन चुका है, दाल बन चुके है, रोटी चावल सब बन चुका है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं रायता, खीरे का रायता। तो खीरा मैंने पहले से ही जो है कद्दूकस करके रखा है, और दही अभी मंगाई दुकान से, घर में जो है कल दूध नहीं आया था इसलिए दही नहीं जमाई, तो ये दही अभी लेके आया। तो मैंने इसको बाहर से अच्छी तरह से वॉश कर लिया था दही के पैकेट को, और इसमें खीरे में मैं दही को डाल दूँगी। और जीरा मैंने जो है पीस के रखा है, भुना हुआ जीरा, रायते में जो है जीरा को भून के और फिर उसके बाद पीस के, तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो दही मैंने पूरी डाल दी इसमें, और इसमें डालूँगी मैं जो जीरा है पिसा हुआ, तो जीरा डाल दूँगी, और ये ज़्यादा था मैंने थोड़ा कम डालूँगी। उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं नमक, और मिर्ची मैं यहाँ पर नहीं ला रखी थी, मिर्ची किचन में है तो थोड़ी सी मैं मिर्ची भी डालूँगी, बिल्कुल हल्की सी डालूँगी मिर्ची। तो यहाँ पे रायता भी तैयार है, तो अब बच्चों को मैं जल्दी से खाना लगा लेती हूँ क्योंकि प्राप्ति ने जाना है ट्यूशन। तो ये रायता काफ़ी दिनों बाद मैंने इस बार रायता बनाया, क्योंकि दही हम वैसे ही ले लेते हैं, रायता नहीं बनाते थे। हेलो गाइस, तो अभी खाना पीना सबका हो चुका है, 2:30 बज रहे हैं और मेरी बेटी जा चुकी है ट्यूशन। तो ट्यूशन में उनकी आज क्लास थोड़ी चलेगी, पहले वो पार्टी करेंगे टीचर डे की, तो वहीं से आवाज़ आ रही है, सॉन्ग लगा रखा उन्होंने, डांस वांस कर रहे हैं। और यहाँ पे ये लोग देख रहे हैं टीवी, गौरव और पीयू, टीवी की आवाज़ भी आ रही होगी। और मैं यहाँ पे लेटी हुई थी इसलिए बाल भी ख़राब हो चुके हैं, और गले में मैंने कुछ नहीं पहना, इतनी गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोग बताना आपके यहाँ कैसा है मौसम, इधर तो बहुत गर्मी हो रही है, पता भी नहीं चल रहा कि पंखा चल रहा है, बहुत ही गर्मी हो रही है। तो वीडियो का मैं अभी एंड कर रही हूँ यहीं पे। तो गाइज बताना वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक कर लेना, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।